इसमेरहमान रहीम सो वी आर डूइंग मॉड्यूल ऑन डेरिवेटिव्स आज हम बात करेंगे key terms used in derivative markets. की टर्म्स यूज्ड इन डेरिवेटिव मार्केट्स ये कुछ बेसिक्स लेवल की बातें हैं और डिफरेंट जगह पे हम डिस्कस भी कर रहे हैं बट मेक श्योर वी हैव अ थॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज स्पॉट मार्केट अ स्पॉट मार्केट इज़ अ फाइनेंशियल मार्केट वेयर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड कमोडिटीज़ आर ट्रेडेड इंस्टेंटेनियसली यानी कि एट द राइट स्पॉट जो है वो आप इसको करते हैं इसलिए इसको स्पॉट मार्केट कहेंगे उसी वक्त बाइंग सेलिंग हो रही होती है डिलीवरी रेफर्स टू फिजिकल एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और कमोडिटी विद कैश मतलब आपने इसकी पेमेंट्स होगी एंड यू विल एक्चुअली गेट द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट विच इज़ अंडरलाइन द स्पॉट मार्केट इज ऑल्सो नोन एज कैश मार्केट और फिजिकल मार्केट बिकॉज कैश पेमेंट्स आर प्रोसेस्ड इमिजिएटली एंड दे इज अ फिजिकल एक्सचेंज ऑफ एसिड यानी कि एसिड एक्चुअली चेंज ऑफ हैंड होता है एक से दूसरे में यानी कि पेमेंट्स भी होंगी और चेंज ऑफ हैंड ऑफ एसेट्स भी होगा फिजिकल डिलीवरी होगी इन स्पॉट मार्केट डिलीवरी एंड कैश नॉर्मली टेक प्लेस ऑन स्पॉट लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि उसी वक्त ही होना ज़रूरी है कि एक मिनट में ही ये काम होगा देयर कैन बी सम्रांजेक्शन लीड टाइम जिसकी हम एग्जाम्पल स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट में अगर आप देखते हैं कि अगर आप आज एक शेयर खरीदते हैं यू कॉल योर ब्रोकर के जी मुझे ये टेन थाउजेंड शेयर चाहिए आदम जी के तो उसने कहा जी आपके अकाउंट में पैसे हैं ओके okay, कन्फर्म कर लिया आपकी विलिंगनेस देख ली तो ये ट्रांजेक्शन लॉक हो गई मार्केट रेट पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि इमिजिएटली उसी वक्त आ जाएंगे देर मैनी ऑर्डरस कमिंग एट द सेम टाइम तो रूल क्या होता है कि आज आप ट्रांजेक्शन करें उसके दो दिन के बाद आपके अकाउंट से पैसे मूव हो जाएंगे और आपके अकाउंट में वो स्पेसिफिक शेयर आ जाएंगे इसको कहते हैं टी प्लस टू ट्रांजेक्शन प्लस टू यानी जो सेटलमेंट होगी दैट विल बी आफ्टर टू डेज ये है स्पॉट मार्केट ही बट द क्योंकि नंबर ऑफ वॉल्यूम इतना ज्यादा होता है और कई दफ़ा आप दिन में खरीदते भी हैं बेचते भी हैं तो वो फिर नेट पोजिशन पर यह ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रही होती हैं तो मामला ये होता है टी प्लस टू टी प्लस वन भी एग्जिस्ट करता है इन सर्टन केसेज बट दिस इज टी प्लस टू बट अगेन इट इज स्पॉट मार्केट ट्रांजेक्शन डिस्पाइट द टी प्लस टू सेटलमेंट द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर इज परफॉर्म एट स्पॉट और द प्रवेलिंग बेशक सेटलमेंट दो दिन बाद हो रही है लेकिन जो रेट लॉक हुआ है जो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हुई है वो आज ही होगी यानी कि जिस रेट पे हमने बात कर ली बाइंग की रेट वही होगा पेमेंट एंड ट्रांस डिलीवरी ऑफ एसिड डैट विल भी डन आफ्टर टू डेज़ तो ये इसका हम लॉजिक समझना जरूरी है कि स्पॉट मार्केट में ये नहीं कि अभी ये शॉप पर गए और इमीजिएटली ले ही आना है हमने इट कैन टेक अ लिटिल प्रोसेस टाइम बट द रेट विल बी जो जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई है ही इन कंट्रास्ट टू फॉरवर्ड एंड फ्यूचर मार्केट्स वेयर पार्टीज एग्री टू ट्रेड एट फॉरवर्ड और फ्यूचर प्राइस तो उसमें फिर डिलीवरी जो है वो एक्सपेक्ट करती जाती है कि वो फ्यूचर में यानी कि दैट कुड बी इविन थर्टी डेज और एनी पीरियड ऑफ टाइम देअ फॉर एज अपोज टू स्टॉक स्पॉट मार्केट फॉर्वर्ड एंड फ्यूचर मेक कॉन्ट्रैक्ट टू डे बट सेटलमेंट इज डन इन फ्यूचर उसकी सेटलमेंट विल टेक Time, settlement date. Settlement date is an industry term that refers to date when trade or derivative is deemed final के जिस दिन वो conclude समझा जाएगा, जिस दिन वो close ho jayega. and seller must transfer the ownership of the bar to the buyer के जो जिसने चीज खरीदी है उसको physically transfer होगी और उसके against जो भी payments हैं वो होगी. That is referred to as settlement की general word है जो कि frequently हमारे different times में examples में हम use करेंगे.

ये इसके मैंने पहले बात की थी जिस तरह वहाँ पे टी प्लस टू था टी बिल्स के लिए टी प्लस वन है कि अगले दिन होगा स्टॉक्स के लिए टी प्लस टू है सेटलमेंट डेट एक्सक्लूड्स वीकेंड अब जैसे फ्राइडे को अगर ट्रांजेक्शन होगी तो दैट मीन नॉट मीन कि संडे को वो होना है या सैटरडे को होना है अगर दो वर्किंग डेज ऑफ हैं तो दीज आर टू वर्किंग डेज सो तो फ्राइडे विल बी सेटल ऑन आफ्टर टू वर्किंग डेज तो ये वीकेंड्स या पब्लिक हॉलीडेज उसमें से एक्सक्लूड होती हैं ये हमें ऑपरेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये हम बातें कर रहे हैं और प्लस ये टर्म्स हमारी ओवरऑल मल्टीरियल टाइम मल्टीपल टाइम यूज़ होंगी डिलीवरी मैथड द फिजिकल डिलीवरी मैथड ऑफ सेटलिंग इन वॉल्व्स लिटरली फिजिकली डिलीवरी ऑफ अंडरलाइन के आप एक्चुअली एसिड को देते हैं यानी कि अगर आपने कोई शेयर खरीदा है, तो वो शेयर ही जाएगा या अगर आपने कोई गंदम परचेज किया लेट सपोज किसी कॉन्ट्रैक्ट में तो वो गंदम ही आपको मिलेगी और जो बायर है वो उसके पैसे देगा The physical settlement process coordinated and settled via clearing broker or clearing agent जो उसको route कर रहे होते हैं उसको channelize कर रहे होते हैं। If the contract holders opt to take a short position, they are responsible for the physical delivery। अगर किसी ने short position यानी के sell side पे लिए हुआ है, तो वो जिसने buy side पे long है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो product उसको provide करे। कई दफा ये भी होता है कि लोग सिर्फ contract में enter हो जाते हैं उनके पास उस वक्त वो कमोडिटी नहीं होती एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट दे हैव टू अरेंज द कमोडिटी एंड प्रोवाइड देम टू लॉन्ग जिसके साथ उस जिसने बाय का एग्रीमेंट किया हुआ है तो ये मल्टीपल टर्म्स हैं जो कि फ्रीक्वेंटली यूज़ होती हैं वी शुड हैव अ बेसिक थॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज बिकॉज दिज आर लाइक बॉटम लाइन ऑफ एनी डेरीवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो कि सारे ऑपरेट करते हैं थैंक यू